आज संडे है और फिर उन्हें 11:30 के आसपास बज रहा हुआ टाइम, और कहीं से कुछ दिन हुआ कुछ कॉन्टेंट नहीं आना था क्योंकि क्लासेस वगैरह चल रहे थे और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी चल रहे थे, कुछ वजह से कॉन्टेंट नहीं ला पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। मैं और विश्वजीत अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, वही नियर बाई लोकेशन है, 10 किलोमीटर के आसपास का होगा, तो मैं चलते जा रहे हैं घूमने के लिए। और आज मोटो ब्लॉग सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, और अब गाड़ी अपना देखो खड़ा हुआ है, गाड़ी के भी छोटा मोटा कुछ काम करवाना है, और ये देख सकते हो यहाँ का कुछ मतलब पता नहीं कैसे पर ये लूज हो गया था। और आज और एक मतलब मेरा चड्डी वड्डी मतलब मेरा दोस्त है आ चुका है, और फाइनली घर से निकल चुके हैं और काफ़ी दिनों बाद राइड पे ही जा रहे हैं, और शॉर्ट्स में जा रहा हूँ क्योंकि घर के नियर बाय ही है। पहले इसमें कुछ तेल वगैरह डलवाते हैं क्योंकि तेल इसमें कम है, घर से कोई मतलब 10 या 15 किलोमीटर ही दूर होगा। टापोंगो नाम का एक जगह है और जौरीकुट नाम का एक जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं, पहले चलते हैं टापोंगो उसके बाद ही जाएंगे जौरीकुट। और मेरे साथ आज विश्वजीत चल रहा है, विश्वजीत चंपति, और वो मतलब उसके अपने घर के पास ही वेट कर रहा होगा। पहले मैं जा रहा हूँ गाड़ी में तेल डलवाऊँगा, उसके बाद उसको पिकअप करते हैं। और फ्यूल अप कर चुके हैं, अब पहले जा रहे हैं चपाती को पिकअप करते हैं। और ये सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल डलवाते हैं पहले, और सीधा मिलते हैं आपको चपाती के पास। 10 minutes later हाईवे पे कनेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ का जो व्यू है वो सबसे मस्त वाला व्यू आता है यहाँ से, और सामने से वो देखो ब्लडी डैम था, वन ऑफ माई फेवरेट कार, और ये मेन एनएचए है यहाँ का। और आप जब भी राइड वगैरह करो तो प्रॉपर हेलमेट वगैरह पहन के ही करो। अपना प्लस टू टाइम का कॉलेज है जहाँ आपने प्लस टू वगैरह किया हुआ है, और धीरे से ही रास्ते में मतलब मज़ा गाड़ी चलाने का बहुत कुछ ही आता है। टाइम स्लैप एंजॉय करो। Before I knew it, we talked and think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for और वही अपने घर से वही 8 किलोमीटर के आसपास ही होगा, और वहाँ से आने के बाद इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है जो मतलब थोड़ा हाई ऊंचे जगह पे है, देखने के लिए व्यू अच्छा आता है, तो वहाँ से घूम के आते हैं पहले, उसके बाद यहाँ जाएंगे। और यहाँ से व्यू वगैरह आना शुरू हो चुका है, और यहाँ से मतलब टोटल इस साइड में मतलब जो अपना खदान टाइप का बना हुआ है, मतलब जो हम जहाँ जा रहे हैं मतलब वहाँ से जो स्टोन वगैरह जो घर में यूज होता है तो उससे निकालने के लिए मतलब उसको खोद खोद के ऐसे किए हैं सब। और यहाँ से टोटल मस्त वाला व्यू शुरू हो चुका है, हम जा जा रहे हैं वहीं इसी लेफ्ट साइड में गिरेगा, मतलब इस ये वाले फ्लाई ओवर को क्रॉस करने के बाद, मतलब यहाँ से कुछ स्ट्रेच जो मतलब इतना लंबा स्ट्रेच है और मस्त वाला रोड है यहाँ पर, तो अगर गाड़ी चलाने का मज़ा है कुछ अलग टाइप का है, एक 600 सीसी प्लस सेगमेंट के बाइक को मज़ा आ जाता है इस रोड में चलाने। और यहाँ का व्यू जरा चेक करो, फ्यू किलोमीटर्स बचा होगा, और ये देखो वहीं कहीं हम जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री रास्ता, और यहाँ के माउंटेंस का सुंदरता देख रहे हो, चारों तरफ हरियाली बीच में पहाड़, को मज़ा आ जाता है देखने के लिए, और ऐसी इस तरफ का भी जरा व्यू जरा चेक कर लो।
फार्मिंग वगैरह बहुत मतलब किलो किलोमीटर तक मतलब ये खेत ही पड़े हुए हैं जहाँ फार्मिंग वगैरह होता है। और पीछे वाला पहाड़ मतलब सीनरी मस्त सीनरी है यहाँ का। ये वाले लोकेशन के आस पास पहुँच चुके हैं। ये मतलब और थोड़ा आगे जाते ही यहाँ से मतलब एनएसएस से जब नीचे उतरेंगे वो वाला लोकेशन अपना जा रहे आ जाएगा। कुछ किलोमीटर अंदर जाते ही वो लोकेशन आ जाएगा। और यहाँ मतलब प्राय कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जो नीड्स होता है जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल, तो इसी जगह से ही खदान मतलब जैसे कि पत्थर कंकड़ ये सब यहीं से ही निकलते हैं खुदाई करके। तो यहीं से मतलब टोटल ये बोलते हैं यहाँ का हब है जो रॉ मटेरियल्स हब है टोटल। जहाँ राजा जा रहे हैं देखने के लिए जो सब पहाड़ वो मतलब खोद खोद के ही बनाया गया है और बहुत ज़्यादा गहरा है और देखने में कुछ मतलब लगेगा नहीं कि ये इंडिया के अंदर लगेगा कुछ मतलब बाहर के कंट्री में गए हो ना, जिसमें सारा व्यू अच्छा आता है वहाँ से इतना ज़्यादा। और उस लोकेशन का एंट्रेंस आ चुका है। पहले उस ब्रिज के नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के ही और कुछ किलोमीटर अंदर जाते ही अपना वो वाला लोकेशन जहाँ हम जा रहे हैं वो वाला आ जाएगा। और जैसे कि अपना अभय आया है आज, उससे भी आपको मिलवाते हैं बहुत दिनों बाद, 3-4 महीनों के बाद ही आया है वो। इस साइड का ज़रा व्यू चेक करो एक बार आते वक्त और अच्छे से चेक करो। और वो वाला पहाड़ है जहाँ हम जा रहे हैं। फाइनली एंटर कर रहे हैं माइनिंग हब के अंदर। माइनिंग वगैरह ही चलता है इस साइड। और पहले इतना अच्छा रास्ता नहीं था, मतलब पूरा इतना बेकार रास्ता था ये वाला कि गाड़ी अगर कार वार लेके आओ तो अच्छे से चल नहीं पाता था नीचे। मतलब गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नॉर्मल गाड़ी सब नीचे भी लग जाता था कहीं कहीं, कहीं कहीं से छोटा मोटा ऑफ रोडिंग भी करना पड़ गया मतलब स्पॉट तक जाने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट चल रहा है। ये रहा उसका रास्ता जहाँ अंदर जाते हैं। चलो ऑफ रोडिंग वाला प्याज आ गया। रास्ता तो देख ही सकते हो वहाँ तक जाने के लिए कितना बेकार रास्ता ये वाला। ये वाला रास्ता डेवलप भी शायद होगा नहीं क्योंकि ये जैसे कि माइनिंग एरिया है, माइनिंग हब है यहाँ का, तो मतलब पूरा बेकार रास्ता है। बारिश के टाइम में घुटनों तक पानी आ जाता है। ऑफ रोडिंग व्हीकल के बिना शायद यहाँ पर बारिश के दिनों में एंट्री भी नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है। और सामने जो देख रहे हो वही वाला है अपना तापोंग का, जो जहाँ देखने के लिए आए हैं वो वाला सीन वही वाला है वो वाला। और आगे से और कुछ मीटर्स ही देख रहे हैं। और यहाँ पर मतलब फैमिली की अपनी दोस्तों के साथ आना प्रेफर करते हैं आदमी लोग, क्योंकि यहाँ के लोकल्स वगैरह मतलब देखने में मतलब इतना डेवलप्ड नहीं है। तो फैमिली वगैरह के साथ मत आना, आओगे तो दोस्त वगैरह के साथ घूमने आ सकते हो यहाँ पर। जैसे कि बोल रहा था माइनिंग हब, ये देख सकते हो क्रॉसर्स वगैरह चल रहे हैं इधर, और संभाल के चलाना गाड़ी। यहाँ पर बहुत स्लीपरी सिचुएशन है क्योंकि कंकड़ वगैरह रास्ते पर है छोटे छोटे, तो वाले मतलब दिखते छोटे हैं पर गाड़ी बहुत जल्दी मतलब स्किड करवा देते हैं। फाइनली तापोंग एरिया में मतलब तापोंग के माउंटेन के पास आके पहुँच चुके हैं। ये रहा उसका माउंटेन। और मैं उस तरफ जाता हूँ, पहले उस तरफ जाके आपको दिखाता हूँ। और ये रहा जहाँ हम आए हैं घूमने के लिए कंपति। ये मेरे घर से कोई 8 या 10 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगा इसका। और यहीं पर ही संडे आज राइड बनाने के लिए आ गए, कहीं दूर का प्लान तो नहीं कर पाए। ये टोटल माइनिंग एरिया। और ये रहा आपका माउंटेन। और देखो कितना मस्त व्यू है यहाँ से। और ये अपना चंपति भी आ चुका है। और हेलमेट वगैरह
साल के मतलब कम देख ही सकते हो। और चंपति कैसा लगा ये वाला मेला? बहुत अच्छा है भाई, मतलब ये स्क्रिप्टेड है समझ लो, क्योंकि यहाँ तो हम आते ही रहते हैं, रेगुलर है, जब भी मन किया के घूम के, मतलब आपको मतलब कैसा लगा, बोलने इसको एक्सपीरियंस कैसा लगा ये जगह का? मतलब हम बहुत बार आ चुके हैं, फिर भी आपके लिए ये वाला पॉइंट पूछे। और ये देखो ये वाला जो मतलब जगह है, छोटा सा पोर्शन देख रहे हो यहाँ आसपास, मतलब बंदे इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, अभी देखे हैं नीचे और चलते हैं वहाँ, थोड़ा नीचे चलते हैं इसके। और ये वाला एरिया भी चेक कर लो एक बार, जहाँ माइनिंग वगैरह होता है, मैं बोल रहा था आते वक्त। ये भी मतलब नेचुरल नहीं है, इसको मतलब खोद खोद के बनाया है, क्योंकि जो चिप्स वगैरह लगता है वहाँ से, यहाँ से मतलब तोड़ तोड़ के निकाले हैं, मतलब ब्लास्ट वगैरह करके। चलते हैं और थोड़ा आगे, आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको नीचे का व्यू जरा, मतलब इस साइड का पोर्शन, जहाँ यहाँ पर जहाँ खड़े हैं पोर्शन का व्यू कैसा आता है। और गाड़ी में भी कुछ काम करवाएंगे, मतलब सोच रहा हूँ अभी करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि जैसे कि जानते हो रॉयल एनफील्ड मतलब चलेगा, वाइब्रेशन होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। और ये वाला वाइब्रेशन से जो बैटरी बॉक्स वो उड़ गया है, पता नहीं कहाँ उड़ा, तो उसको भी लगवाएंगे, और जो दिखा रहा था छोटा मोटा काम है उसको भी करवाएंगे, आज नहीं तो कल परसों में करवाएंगे, क्योंकि अभी तो जाने का वहाँ मन नहीं है, शायद छुट्टी भी होगा, तो पहले नीचे चलते हैं। और एक साइड में आ चुके हैं, और देख रहे हो बंदे कितने छोटे दिख रहे हैं इसके सामने, और वो देखो वहाँ भी कुछ कुछ बंदे हैं वहाँ, और वहाँ भी देखो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब ये कितना मतलब ऊँचाई आप देख सकते हो यहाँ से। और गाड़ी हम यहाँ पर पार्क किए हैं, और मतलब कि जो घूमने आए हैं वो अपना गाड़ी ऊपर पार्क किए हैं, और यहाँ का रास्ता तो आप देख ही सकते हो। नीचे चलते हैं और ये देखो इसका रास्ता भाई, कितना खतरनाक खतरनाक रास्ते हैं ये वाले, बहुत ज़्यादा डेंजरियस दिख रहा है वाला रास्ता। चंपति तो अपना फिट है, मतलब स्लिम ट्रिम है, और ओवर वेट होने का लूज भी देखो, इसका गड्ढा कूद के जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गिरा चक्कर रखा है, और देखते हैं ना। और नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ के आसपास हम नीचे जा रहे हैं, और यहाँ से ज़रा व्यू चेकआउट करो, सारे बंदे भी घूमने आए हैं, और ये अपना फोटोग्राफर कुछ फोटो निकाल रहा है, और आप वो फोटो भी चेकआउट कर सकते हो। और ये देखो अपना कॉमेडी के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और इसको मतलब इसका इंस्टा आईडी मेंशन कर लूँगा, अपने स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इसको भी फॉलो कर लेना। हम इतने बड़े तो नहीं हुए कि किसी को प्रमोट कर पाए, अभी छोटे मोटे हैं, फिर भी अपने दोस्त लोग को तो करना ही चाहिए। और मतलब ये वाला जो मतलब मेरा बचपन का दोस्त है, और बहुत सपोर्टिव है, मैं जिन दोस्तों से मेरा जिन दिन मतलब परान अवै, ये सब मेरे मतलब छोटे ऐसे अच्छे वाले दोस्त हैं, और ये तो लाइफ टाइम भी रहेंगे। आप सबको अभी बोल रहा था दोस्त, ऐसे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मतलब पीछे भी बहुत कुछ किया हुआ है, कुछ ऐसे हैं जैसे कि संपत्ति, फरान, अभय, सुमित, वैसे वो जैसे परमानेंट दोस्त है, वो लोग मतलब बहुत टाइम तक रहेंगे। और अपना जैसे कुछ दोस्त हैं लाइफ में जो मतलब एक ट्रबल की तरह आए थे, और वो भी जा चुके हैं लाइफ से, अभी मतलब कम दोस्त हैं वो, और मस्त दोस्त हैं, और अभी सेंचुरियन में भी तो और अच्छे फाइनली यहाँ से चल के यहाँ आ चुके हैं, और अभी चलने में तो नीचे आ रहे थे तो पता नहीं चल रहा है, जब ऊपर जाएंगे तो हालत बुरा होने वाला है। और यहाँ पर कुछ बंदे लोग भी हैं शायद अपना फीस वगैरह कर रहे होंगे, और थोड़ा नीचे जाते हैं, देखते हैं यहाँ का सीन, और चलते हैं ऊपर, यहाँ से घूम के निकल रहे हैं, और धूप हो रहा है यहाँ पर, रुक के भी कुछ फ़ायदा नहीं, चलते हैं जो मंदिर आपको बोल रहा था, मतलब जौरीपुर हनुमान, वहाँ भी चलते हैं ज़रा, मतलब वो वाला जो जौरीपुर हनुमान जो जगह बोल रहा हूँ, मतलब वो वाला वहाँ जाऊँगा जाता हूँ जब, मतलब बहुत ज़्यादा शांति वाली जगह है, और जहाँ को बहुत ज़्यादा शांति भी मिलता है, जब भी कुछ स्ट्रेस व्रेस होता है तो दूसरे तक वहाँ पर चला जाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा शांति वगैरह का मिलता है, और थोड़ा ऊँचा भी है, और गाड़ी भी पास में जाता है, तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल भी नहीं है। और यहाँ से ऊपर जाते वक्त जो चढ़ाई है यार,
वो तो और भी खतरनाक है। और आज वैसे रेगुलर निकला था तो आपके लिए कुछ कंटेंट भी नहीं लाया था, इसलिए करके ले आया। और हाफ पैंट में और जो आया हूँ शॉर्ट्स में, यहाँ पर अगर किसी में गिर गया तो बहुत गंदा वाला चोट लगने वाला है, तो संभाल के ऊपर चलते हैं। पहले ऊपर मिलते थे आपको, फाइनली ऊपर आ चुके हैं और छोटा मोटा चप्पल भी गिरते गिरते बचा हूँ, चंपल जी ने मुझे बचा लिया। अभी ऊपर आ चुके हैं, निकलते हैं यहाँ से। और फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं जौरीपुट हनुमान। एक हनुमान मंदिर है जो मतलब एक माउंटेन की मतलब माउंटेन एक हिल के छोटा सा माउंटेन है उसके ऊपर ही प्रेजेंट है वो वाला मंदिर। वहाँ पर जा रहे हैं पहले और सीधे उसका एंट्रेंस पे आपको मिलता है। और यहाँ का एग्जिट का व्यू जरा देख कर लो। और ये देखो यहाँ से मतलब मिट्टी वगैरह जो घर के फीलिंग के लिए चाहिए होता है तो सब मतलब हमारे यहाँ का तो यहीं से मंगा लेते हैं। ये रहा वो वाला स्पॉट जहाँ बोल रहा था आपको, आप यहाँ से मतलब मिट्टी वगैरह घर के लिए जाता है। और निकाले हैं वहाँ यहाँ से। और फाइनली हम आके पहुँच चुके हैं जौरीपुर हनुमान मतलब हनुमान रेखा को देखो, हनुमान भट्टाई का इसी के अंदर ही है जहाँ हम जा रहे हैं। वो जहाँ ट्रक अंदर ले रहा है वहीं से लेफ्ट करते ही आता है हमारा जो जा रहे हैं जहीं पर। से कुछ किलोमीटर अंदर जाते ही आता है जौरीपुट हनुमान, इसको बोलते हैं लोकल्स। और यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है जौरीपुट भट्टी का। और फाइनली आ चुके हैं वो वाले रास्ते पे, वहाँ जो ब्लू बोर्ड देख रहे हो वो है जौरीपुट हनुमान का। वहाँ से लेफ्ट लेते ही वो रहा मंदिर। और फाइनली हम एंटर कर रहे हैं और वो रहा मंदिर। और वो ऊपर देख ही सकते हो वो मंदिर। और वहाँ तक है जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरा साफ की तरह है। और गाड़ी अपना वहाँ रख चुके हैं और जा रहे हैं ऊपर अंदर का मंदिर के एरिया एंटर कर रहे हैं। और वो रहा हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ का जरा व्यू चेक करो, ये वाला ये जरा चेक करो और यहाँ का टाइम स्लैप जरा एंजॉय करो। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हम मंदिर के उस साइड में जा रहे हैं और अपने वो छोटा सा बछड़ा बना हुआ है और कुछ गाय वगैरह भी इधर हैं। और ये अपना हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर और इस साइड का व्यू भी ज़्यादा चेक कर लो। इस साइड में और भी खतरनाक व्यू आ रहा है, जंगल के बीच में वैसे ना ये मंदिर, तो देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है इस साइड में। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली, जंगल ही जंगल। और ये राम मंदिर का कुछ व्यू,
हमारी और एक साइड में आ चुके हैं और ये छोटा मोटा गार्डन है साइड में। फाइनली अपना पुराना दोस्त आ चुका है और आदित्य तू भी जिसे मिस कर रहा था वो भी आ चुका है और ये रहा आके काम वाम में लगा हुआ है। आते ही काम पे लग गया है अपना और सोच रहा हूँ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।